हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविरंजन कुमार। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। स्वागत है आप लोग का मेरा इस न्यू टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बताएंगे कि आपका चैनल नया चैनल कितना दिन में ग्रो होगा, या फिर पुराना चैनल है तो वो कैसे ग्रो होगा। अभी तक ग्रो नहीं हुआ है तो वो कैसे ग्रो होगा, वो सारी जानकारी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप नया चैनल बनाना चाहते हैं तो इस बात का आप याद रखिएगा, या फिर ध्यान में ही रख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ YouTube 6 से 7 महीना आपको सपोर्ट करेगा नया चैनल का। यानी कि 6 से 7 महीना आप जैसा भी लॉन्ग वीडियो अपलोड कीजिए, उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि YouTube इम्प्रेशन उसे बहुत हाई रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। उसे होगा क्या कि अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो उससे आपको कुछ ऑडियंस मिल जाएंगे जो कि नया होंगे आपके चैनल पे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑडियंस को आप भगाइएगा या फिर रखिएगा, यानी कि आपको चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा या फिर आपको वीडियो देखेगा। तो शुरुआती में जो देखेगा आप उसी कैटेगरी से वीडियो अपलोड कीजिएगा उसी कैटेगरी का, या फिर आप चेंज कीजिएगा, या फिर चैनल का नाम चेंज कर दीजिएगा, या फिर मोटिवेट होकर चैनल पर जो है वीडियो डिलीट करके दूसरा कैटेगरी का अपलोड करने लगेगा। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक ही तरह का वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहना है 6 से 7 महीना तक नया चैनल पे। ये YouTube का कोई अपडेट नहीं है। और हम बता दें कि हमारा 3 चैनल है, जो कि ये मेरा मेन चैनल है जिस पे हम कंटिन्यू अपना जो है से टेक्निकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा 2 और चैनल है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं, जो हमको ओरिजिनल चीज़ लगता है, यानी कि ओरिजिनल जानकारी जो हमको लगता है वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। बगल में आप इम्प्रेशन देखिए, मेरा रिसर्च वाले चैनल है उस पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका एक वीडियो का आप इम्प्रेशन देख लीजिए कि कितना हाई है। YouTube अच्छा इम्प्रेशन देता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर चैनल पुराना हो जाता है तो आपको व्यूज नहीं आएगा, YouTube अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, जिसके कारण YouTube आपको अच्छा इम्प्रेशन देगा। YouTube आपको अच्छा इम्प्रेशन देकर और आपको चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर देगा। यानी कि पुराना होने पर आपको क्या क्या करना है वो हम बताते हैं आगे इस वीडियो में। 6 से 7 महीना पुराना चैनल है आपके पास तो आपको क्या करना है, या फिर नया चैनल है तो क्या करना है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा बताएंगे कि आप लोग दूसरे के चैनल पे जाइएगा जिस चैनल का सब्सक्राइबर कम से कम 10-20 मिलियन हो, उस चैनल पे आप लोग जाइएगा। उसके अलावा हम बता दें कि वहाँ पे आपको क्या चेक करना है। अगर उस चैनल पे अगर कंटिन्यू वीडियो अगर रोज़ आता होगा तो भी ठीक है, या फिर आप लोगों को 10-20 वीडियो का आप लोग चेक कीजिएगा, चाहे जितना दिन में भी वो अपलोड ही होया होगा उसको आप लोग 10-20 वीडियो को चेक कीजिएगा। इसके अलावा हम बता दें कि उसमें आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें 10 मिलियन भी व्यूज आया होगा, और कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें 5,000 से 10,000 ही व्यूज आया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्या सब्सक्राइबर अगर इतना है तो व्यूज तो उतना आना ही चाहिए। अगर 25 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, तब कम से कम 8-9 मिलियन तो व्यूज भी तो आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है 10,000-20,000 पे ही आकर क्यों अटक जाता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास अगर एक चैनल है तो एक चैनल से आप 200 चैनल को भी सब्सक्राइबर कर चुके होंगे। यानी कि आप जितना सारा चैनल को सब्सक्राइबर किए होंगे तो सबको अगर नोटिफिकेशन आप ऑन किए होंगे, या फिर नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं किए होंगे तो भी आपको YouTube रिकमेंड करता है वीडियो को, यानी कि आपके पास भेजता है। तो जिसका वीडियो सबसे लास्ट में अपलोड होता है ना, उसी का जो है से वीडियो आपके पास पहुँचेगा। यानी कि 1-2 मिनट पहले अगर वीडियो अपलोड किया गया होगा, आपके मोबाइल ऑन होने से पहले, यूट्यूब ऑन करने से पहले अगर 1-2 मिनट पहले वीडियो अपलोड किया गया होगा, अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया होगा, यानी कि उसका सब्सक्राइबर आप जो है से ऑन नहीं किए होंगे बेल आइकन को, तो आपके पास जो है से ब्राउज फीचर के माध्यम से आता है। तो जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो आपके ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा होता क्या है, जिसका वीडियो सबसे लास्ट में अपलोड होता है उसी का वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो यही कारण होता है कि जितना सब्सक्राइबर है उतना व्यूज नहीं आता है। यही कारण होता है कि वो उनका टाइमिंग कुछ अलग रहता है, उसके बाद ही कोई वीडियो अपलोड कर देता है तो उसका वीडियो आपके पास पहुंच जाता है, तो उसका थंबनेल अच्छा होता है तो आप उसको देखने लग जाते हैं। और किसी किसी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज क्यों आ जाता है वो हम बताते हैं। तो उसका जो है से सर्च वैल्यू हाई होता है, यानी कि वो नया टॉपिक होता है इसलिए उसको ज़्यादा सर्च किया जाता है ना, इसीलिए आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि क्लिकबेट के ऊपर भी YouTube ज़्यादा रिकमेंड करने लग जाता है, सब्सक्राइबर के हिसाब से कभी व्यूज नहीं आता है। इसके अलावा एक और बात, जो चैनल नया होता है या फिर पुराना चैनल होता है, या फिर जिस चैनल का सब्सक्राइबर 200 से 400 है, उस चैनल पे भी ज़्यादा व्यूज आ जाता है। 10,000, 20,000, 60,000, 70,000 तक हमने व्यूज देखा है कि आ गया है।
उसके बाद व्यूज आने के बाद सब्सक्राइबर भी उसका बढ़ा है, लेकिन 200 से 400 अगर सब्सक्राइबर आता है फिर भी उतना व्यूज आ जाता है। तो वो क्यों आता है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि बताए कुछ देर पहले, उसी प्रकार से यूट्यूब पे ज़्यादा उस वीडियो का डिमांड रहता है जो कि नया टॉपिक होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा व्यूज आ जाता है। तो आपको भी नया चैनल या पुराना चैनल जल्दी ग्रो करना है तो ये टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा कि नया टॉपिक्स हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, तो जो थंबनेल वो लगाना है वो तो आपको सही प्रकार से लगाना ही है। इसके अलावा है जैसे आपको नया वीडियो होना चाहिए, सबसे पहले उसमें आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि अपना वॉइस होना चाहिए, अपना फेस होना चाहिए, तभी यूट्यूब आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं, अगर दूसरे का भी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो और 10 साल भी वीडियो अपलोड कर लीजिएगा तो न ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, न ही आप यूट्यूब से एक रुपया कमा पाइएगा। 2010 का चैनल, 11 का चैनल है, मैं उसको देखा हूँ कि वो चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी कि उस पर 200-300 ही सब्सक्राइबर है। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा उसके बाद ही चैनल मोनेटाइज होगा, वो चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।